अभी हम मौजूद है कोडरमा प्रखंड के पंचायत चारड़ी में और इस पंचायत में तीन पंचायतों के लिए करमा, झुमरी और चारड़ी के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है और स्वास्थ्य उपकेंद्र में नियमित रूप से लोगों का इलाज किया जा रहा है। परंतु यहाँ पानी की किल्लत से यहाँ आने वाले प्रसूता को प्रसव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पास में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहाँ बच्चों को पोषाहार में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। सहायिका को यहाँ से काफ़ी दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है जिसके बाद पोषाहार बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों सेंटरों के पास दो चापाकल है और एक चापाकल ख़राब है और एक चापाकल में जो पानी निकलता है वह आयरन युक्त है जिस कारण यहाँ उस पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों के साथ साथ यहाँ के कर्मियों को काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही है। क्या दिक्कत हो रहा है दीपा जी? यह पानी का बहुत दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत होने से क्या क्या परेशानी सामने आ रही है? ओपीडी में परेशानी होती है, डिलीवरी करवाने में परेशानी होती है। आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कितने पंचायत के लिए है? तीन पंचायत है। कौन कौन? करमा पंचायत, झुमरी पंचायत, चारड़ी। सुनने में आ रहा है कि छतरवर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी लोग चले जाते हैं। यहाँ पानी की कमी के कारण और वहाँ सारा व्यवस्था है, पानी और नज़दीक भी है, इसीलिए चली जाती है। तो आप क्या चाहती हैं? पानी की सुविधा हो जल्द से जल्द, जिससे डिलीवरी करवाने में आसानी हो। तो अगर पानी की सुविधा हो जाती है तो फिर मतलब कि जो प्रसूता है वो उनकी संख्या बढ़ेगी? हाँ, संख्या बढ़ेगी। अभी मतलब कि हर महीने कितने प्रसव हो रहे हैं आपके केंद्र पर? एक दो महीने में, एक दो मात्र? हाँ। अगर मान लेते हैं कि पानी की सुविधा हो जाएगी तो होगी, ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या कभी आपने अपने विभाग को बताया है कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए? हाँ, पानी भी यहाँ व्यवस्था नहीं है सर, तो दूर से पानी भी हमको लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है अकेले। 40 बच्चा सर। पोषाहार बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है? हाँ, बनाने भी दिक्कत होता है सर, बना के सु लेते हैं कि खिलाने बच्चा लाने करने भी दिक्कत होता है। दो चापाकल सर, इसमें पूरा आयरन है, एक में पानी नहीं है, तो दूर से पानी हमको लाना पड़ता है। पानी में आयरन है या चापाकल खराब है, क्या इसके लिए कभी लिखित शिकायत आपने किया? हाँ, बहुत बात की हम लोग ने। तो फिर भी नहीं बना? नहीं बना है। आपके घर के सामने में आंगनबाड़ी भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो यहाँ पे कैसे होता है? सब लाती है ढो के, चापाकल है वहाँ पे, सब ढो के जाके माथा पे डब्बस लाती है तो काम करती है, इसी तरह होता है। अच्छा, उन लोग का बहुत दिक्कत होता है, उन लोग बहुत बेचारी परेशान हो जाते हैं। प्रसव के लिए महिला आ जाती है स्वास्थ्य केंद्र में तो कैसे है? जाती है लाने के लिए पानी, आती है लेके उधर वहाँ चापाकल है पीछे, वहाँ से पानी लाती है दो तीन डिब्बा तो काम करती है इमरजेंसी, इसी के कारण यहाँ पे कोई आती नहीं है और पानी ही नहीं है। हम लोग जो खुद थे सब, हम लोग चल गए सदर, यहाँ नहीं आए क्योंकि पानी ही नहीं है यहाँ पे। इस सब पानी से काम करेगा तो आदमी बीमार पड़ जाएगा ना, ये सब काम पानी का आदमी को एक थी में थी कपड़ा धोइए एक तो पूरा दम लाल हो जाता है कपड़ा, हाथ में लीजिए तो पूरा पानी इस तक महकेगा कि इस सब पानी का हाथ भी धोने में बहुत ख़राब लगेगा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को पानी चाहिए है किसी भी तरह से, इतना हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। सर, करियावर स्वास्थ्य उपकेंद्र SWC है सर, वहाँ पानी का किल्लत है सर? हाँ, उसमें अभी हम लोगों को जस्ट प्रेस मीडिया से ही ज्ञात हुआ है, धन्यवाद हम लोगों को। लगातार हम लोग जितने भी संस्था है सभी में 100% रनिंग वाटर और हैंड वॉश यूनिट बनवाए हैं और करियावर में पानी की सुविधा है, लेकिन जो पानी का जो क्वालिटी है वो ख़राब है, लाल पानी आता है। हम लोग को पहले भी सूचना थी तो अभी हम लोग जस्ट निर्देश दे दिए हैं, वहाँ एक ऑलरेडी हैंडपम्प है जो चालू अवस्था में नहीं है जिसका पानी अच्छा है, वो आज ही रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी में पानी की दिक्कत है वो उसी हैंडपम्प से पूरा होगा। करियावर स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं आंगनबाड़ी में हो रही पानी की किल्लत को लेकर मैंने समुदाय के साथ एक बैठक की और उस बैठक में कोडरमा उपायुक्त के नाम से आवेदन बनाया गया और वह आवेदन उपायुक्त आदित्य रंजन को दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बहुत जल्द वहां पेयजल की जो समस्या है उसे दूर किया जाएगा।
पेयजल की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। मैं काशिफ अख्तर, कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।